रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों मेरे पास आज एक रिमोट कंट्रोल कार है, ये बहुत एक्सपेंसिव लुक है दोस्तों इसका, बहुत अच्छी दिखी मुझे भी है। इसका प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कस्टमर, चाहे तो चार्जिंग हो रही नहीं है बोल के बोल रहा है आपको। ये दिख सकता है पूरा एक्सपेंसिव लुक है कार है। अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये ऑन हुआ है, रनिंग करने से पूरा पावर डाउन हो रहा है उसका, देख सकते हैं आप। यही प्रॉब्लम है इसका, लेफ्ट टू राइट करें तो पूरा वीक वायर है गाड़ी। ये क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या चार्जिंग नहीं चल रही है, वो सभी चेक करूँगा दोस्तों। इससे पहले भी मैं एक यही कार रिपेयर करके वीडियो रखा हूँ, वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, नहीं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिए दोस्तों ज़रूर, वो भी आपको यूज़फुल वीडियो रहेगा दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी ज़रूरत होगी। अब इसका चार्जर दिखाऊंगा मैं, इसका चार्जर, इसका कस्टमर ने क्या किया, ये चार्जिंग नहीं चल रही बोल के चार्जर बदला के इसको दूसरा मोबाइल चार्जर डाला है। ये किचोड़ा कंपनी का चार्जर डाला है, इसको जॉइन करा है। अब ये चार्जर में मल्टीमीटर से चेक करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जर ही चेक करना है, कहीं चार्जिंग चल रही है तो दिखता मालूम है कस्टम को। अब ये चार्जर मल्टीमीटर में रखकर दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखो दोस्तों 0.4 आ रहा है मिनिमम चार्जर वोल्टेज, आगे 5 वोल्टेज रहता है। इसका ओरिजिनल चार्जर कैसा होता है कि आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। ये इसका ओरिजिनल चार्जर है, मेरे पास पेयर था ओरिजिनल चार्जर, इसके ऊपर आपको मेजर करके रहेगा, देख सकते हैं आप 3.6 वोल्ट दिखा रहा आपको मेजर इसका वोल्टेज चार्जर, ये इससे ज़्यादा रहता है वोल्टेज। आपको इसको ऑन करके बताता हूँ, ये ऑन करें हम इसका वोल्टेज इसमें रख के, ये देखो दोस्तों 6 वोल्ट बता रहा है दोस्तों। ये चार्जर का वोल्टेज देखना, ये 3.6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है। ये चार्जिंग लगाने के बाद पूरा लेवल हो जाता है उसमें। अब इसके बाद ये सक्सेसफुल है और इसको हम इसे लगा के कार को नीचे चार्जिंग पिन इसका इधर दिया है कंपोनेंट, ये स्पीकर है इसमें लगा के देखेंगे हम। ये देखो दोस्तों लगाया हूँ मैं, अब इसको रन कर रहा हूँ, हाई तो भी वीक हो रही है, ये रन करने से वीक हो रही है। देखो आप देखो, लाइटिंग बंद हो गई, पूरा साउंड भी बंद हो गया, पूरा वीक हो गया एकदम। अब हाई तो भी क्या की प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये खोल के देखेंगे। ये खोलने छोटा एक स्क्रूड्राइवर, स्टार स्क्रूड्राइवर ले तो बस हमें, ये स्क्रूड्राइवर से हम इसको नीट से खोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब भी क्लीन कर लेंगे इधर से, सब भी रिमूव कर लेंगे, उसके बाद ये हाफ कर लेंगे हम, इसको खोलेंगे। इसको स्टार स्क्रूड्राइवर, इसका स्क्रू नहीं है ये, हाई तो भी इसको स्क्रू डाले हैं, ये स्क्रू निकल गया और एक इधर एक रहता है, इधर आपको दिख रहा है इधर एक स्क्रू, तो ये रिमूव करेंगे, वो तो बहुत अंदर है। इधर का एक स्क्रू और एक इधर का, ये तीनों स्क्रू चाहिए इसमें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, अभी ऑटोमेटिकली निकल जाता है, आपको दिख सकता है। देखो दोस्तों ऑटोमेटिकली निकल गया है, स्क्रू नीचे गिर गया है, ये गाड़ के बाद में लगा देता हूँ। इसके अंदर एक कंट्रोलर आईसी है रिमोट कंट्रोल का, और एक पूरा मदरबोर्ड है, ये आपका म्यूजिकल बोर्ड है, ये म्यूजिकल स्पीकर, ये फ्रंट राइट एंड लेफ्ट मोटर है, ये बड़ा मोटर इसका यही है। ये पूरा शॉक अब्जर कार है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप पूरा शॉक अब्जर, इसका कितना अच्छा शॉक अप्स दिया है कि स्प्रिंग, और सामने भी शॉक अप्स दिया है इसको, आपको दिख सकता है इसका शॉक अप, इधर एक इधर एक है, किसका शॉक अप उससे सेपरेट सेपरेट है, इधर का राइट साइड का राइट साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, आपको दिख सकता है इसका शॉक अप। बहुत अच्छा डिज़ाइन कराया है दोस्तों इसको, ये बहुत अच्छा मुझे पसंद है ये गाड़ी। अब इसके अंदर देख सकते हैं क्या सर्क्यूट इसका क्लीन से, ये देखो दोस्तों वायर इधर निकल गया है, ये न्यूट्रल वायर निकल गया है इसका, प्लस ये चार्जर पिन के पास से। अब इसके अंदर यही प्रॉब्लम होने से ये चार्जिंग भी नहीं हो रही थी, अच्छा चार्जर कट करके उन्हें पूरा गलती कर दिया है कार वाले ने। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका पिन ये नेगेटिव पिन नेगेटिव टर्मिनल का है, इधर इसको रख के सॉल्डरिंग कर देना है। ये सॉल्डरिंग मशीन ऑन करके हमें सॉल्डरिंग मशीन हीट होने के बाद इसको सॉल्डरिंग करके चेक करेंगे, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ज़रूर ये वर्क करेगा। अब इसको पेस्ट लगा लेंगे थोड़ा वायर को, इसको पेस्ट लगा के दोस्तों, इस वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक दोस्तों, इसको पेस्ट लगाया ना वायर को, उसके बाद हम सॉल्डरिंग मशीन भी हीट हो गए हैं। अब इसको नेगेटिव टर्मिनल पर रख के सॉल्डरिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सॉल्डरिंग हो चुका है माशाल्लाह, सॉल्डरिंग कम्प्लीटली हो गया है। अब इसके बाद इसको उसी प्लेस में रख के स्क्रू चढ़ा देंगे हमें। अब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्जर लगा के चेक करेंगे सॉल्डरिंग में से सप्लाई आ रहा है नहीं वोल्टेज, वो मल्टीमीटर लेके चेक कर लेकर सक्सेसफुल वर्क हुआ तो उसको उसके प्लेस में रख के स्क्रू चढ़ा लेंगे। अब इसको मल्टीमीटर ऑन कराया हूँ, अब इसमें मिनिमम 6 वोल्ट वो 3.7 वोल्ट बैटरी का है, और एक आके चार्जर आके 3.6 वोल्ट है ना, अब ये देख सकते हैं आप इसको वोल्टेज पूरा 4.1 वोल्ट वोल्ट आ रहा है। अब इसके बाद 3.7 दिखा रहा है चार्जिंग पिन काटने के बाद, अब चार्जिंग पिन लगाने के बाद 4 आ रहा है, चार्जिंग तो चढ़ रहा है माशाल्लाह, वर्क कम्प्लीट हो चुका है सक्सेसफुल। अब इसको हम लगा ले सकते हैं 4.1, देख लिया ना दोस्तों ये करेक्ट काम कर रहा है। अब इसको हम उसके प्लेस में रख के इसको पूरा इंस्टॉल कर देंगे पूरी कार को, इसके बाद इसको चेक करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें, उसके बाजू का इस बेल आइकन को दबाने से इस तरह के नए नए वीडियोस आपको अपडेट
होते रहेंगे दोस्तों। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।